My name is Manmohan Singh. My YouTube channel is MS Dark Vlogs. Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे अपने व्लॉग में। तो कर्नाटका हम पार कर चुके हैं और बॉर्डर भी पार हो गया, अब तेलंगाना आ गए। रिंग रोड रह गई है, 100 किलोमीटर रिंग रोड रह गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए माल तो बहुत ऊंचा है, हमें अब तक वायर कहीं उठाने नहीं पड़े। सुबह 5 बजे निकले थे और वायर क्या कहते हैं, वायर कहीं उठाने पड़े। रात में क्या है, इसलिए निकले, आरटीओ लगा था तो जो उधर के कंपनी के सुपाटी गार्ड थे उन्होंने बोला कि आरटीओ लगता है, तो उन्होंने मना कर दिया जाने की। बोला खड़ी कर दो गाड़ी, ले आए ले आओ, हमारा कुछ नहीं। उन्होंने बता दिया, सतर्क कर दिया, तो हम रात के पेट्रोल पंप हो गए। सुबह डीजल भराया, फिर यहाँ से निकल आए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या नाश्ता करेंगे, पीछे नाश्ते की दुकान है, चलो जी। दोस्तों हमारा नान तो अस्त भाई का, ये दो रसगुल्ले, दो पूरी, रसगुल्ले नहीं ये वोंडा, तो ये धरू इडली बड़ा, बड़ा और ये वोंडा और पूरी। चलिए खाते अब, खाना तो हो गया था। अब ये देखिए गाड़ी के पास वापस आ, देखिए जो अब सुबह का मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ऊँची चेन है। हमने दो मारी है, देखो चेक करा धरू चाय तक, ये बेल्डिंग मरवा ली जिससे ये माल अगर चैन की कोई कड़िया टूट गई ना तो सरक के गिर नहीं जाए, सरक के क्या गोल गोल होके गिर नहीं जाए। लॉक खोल ले, सामने दिखा दूँ भाई, देखो इतना ऊंचा माल है, बहुत ऊंचा है। चले मैं दूर से वो विंड फैन दिख रहे हैं, देखिए वो देख विंड फैन दिख रहे हैं, देखिए पवन चक्की बोलते हैं हिंदी इनको, तो ये क्या बिजली बनाती है, देखिए बहुत सारे लगे देखो, उधर तक लगे ही लगे, उधर तक लगे। अब इसके पास जाएंगे तो एक दिख जाएगा बड़ा सा, देख मैं दिखा दूँगा, ये वाला आ गया, ये चल रहा है ना, ये वाला रोड के बिल्कुल किनारे ही है, इसको दिखाता हूँ पास पे। तो बहुत पास आ गए हैं, वीडियो में तो थोड़ा दूरी दिख रहा होगा लेकिन हम लोग पास आ गए हैं। बहुत सारी लगी हुई इस तरफ, देखो वो लगी हुई है दूर दूर तक, और ये देखो अपनी गाड़ी क्या साइड लगा दी। ऐसे रास्ते में आ गए, सिंगल रास्ता है मतलब एक जाने का एक आने का, तो क्या है हमारी गाड़ी जा रही है तो पीछे सारे व्हीकल पीछे से आगे कोई निकल ही नहीं पा रहा, तो हमने साइड में खड़ी करके कम से कम 20-30 वाहन होंगे उनको आगे जान दिया सब लोगों को। खाली होने के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है अब रोड खाली होगी, अब यहाँ से निकलेंगे। और ऊपर क्या है पेड़ का भी डर है, पेड़ टकरा रहा है, एक वायर टकरा गया पीछे, तो क्या टूटा तो नहीं बच गया, लेकिन ये दोस्तों इसलिए संभल के हमें ऊपर देखना है और पेड़ में डाली टकरानी है, ये तो टूट टाट के पीछे कोई चल रहा होगा ना उसके ऊपर गिरेगी। हैदराबाद की रिंग रोड पर आ गए, हमें निकल उतरना है, कौन से नंबर उतरना है, चार नंबर पर उतरना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेन लोकेशन रह जाएगी 5 किलोमीटर दूर, बस उतरने के बाद यहाँ से तो अभी 45 बता रहा है, 42 बता रहा किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कुछ तो हम रिंग रोड से तो उतर गए थे, अब क्या है रास्ता मिली, तीन रास्ता दिखा रहा है जिसमें वायर नहीं पड़ेंगे उस रास्ते से जाएंगे, तो पहला रास्ता ये रहा, इसमें क्या मल्ला पेटा होके दिखा रहा है, तो जिसमें वायर नहीं पड़ेंगे उस रास्ते से जाएंगे। एक देखिए, एक वो आगे से दिखा रहा है कि वो क्या बोलते हैं काजीपल्ली वाला, देखिए हर जगह यहाँ पर तार है, हम पूरा ये 3-4 किलोमीटर पूरा लोकल एरिया में आए, बहुत नीचे नीचे वायर थे, बहुत नीचे नीचे बिल्कुल बचा बचा गाड़ी लेके आए, ये जगह तो बिल्कुल टच हो गया था लेकिन हमने रोकी नहीं गाड़ी, तो निकल गया चिंगारी देखे। ठीक है दोस्तों, अब क्या इधर से जो ये लेफ्ट साइड है ना उधर मुड़ना है और फिर हम कंपनी के सामने बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्या बोला, ये लेफ्ट लेना है फिर आगे जाके ताकि। अच्छा ठीक है चलते हैं, बस कंपनी लेफ्ट लेके सीधी कंपनी है। देखिए दोस्तों हम आ गए कंपनी के पास, कंपनी ये रही कंपनी। ठीक है मोड़, अभी बाहर देखना पड़ा है, वो वायर है पक्के साइड है, देखा ले गया, देखो भाई कितना बड़ा लोड है यार, हमारी उम्र ही कितनी है यार। ये वायर देखो कितना नीचा, ले गया निकल रहा है। दोस्तों हम लोग कंपनी में आ गए हैं, अब क्या कहते हैं नहा भी लिया हम लोगों ने, अब जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है दोस्तों, गाड़ी हमारे ये खड़ा हो गई है, तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं खाने में क्या मिलेगा। इधर से कम हमको 200 मीटर पे जाना है खाने के लिए, उधर ढाबा है, ढाबा क्या है एक भाई है जो हैदराबाद में होता है छोटा सा,
उसी में खाना मिलेगा, यहाँ का खाना टपरी में भी समझ लो, छोटी टपरी या बड़ी टपरी उसी में मिलेगा। ठीक है दोस्तों चलो चलते हैं। यहाँ भी हम लोडिंग के लिए आते हैं, लोडिंग के लिए आए हैं, वहाँ क्या है हर बार दूर मिलती है, देखिए कितनी दूर है। अब ऐसे हमारे पैर के पूरे बिगड़ जाते हैं तो बस इसलिए हम नहाते कम है। चलो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा के आ गया, खाना बहुत बढ़िया था, 60 रुपये में मतलब एक बार चावल बहुत सारे रख दिए थे खाना, मतलब और मतलब जो सब्जी थी ना दाल मटर की सब्जी थी और एक पता नहीं किस चीज़ की सब्जी थी और दही भी दिया था उनने, तो मतलब सब्जी तो अनलिमिटेड थी और चावल क्या अगर एक्स्ट्रा लोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते थे। ठीक है तो बढ़िया खाना खा लिया, अब शाम के क्या गैस बनाने इधर ही आएंगे पर यहाँ पर उधर प्रेशर पर ही खाना बनाएंगे, जहाँ पर गाड़ी खड़ी है ना उधर ही खाना बनाएंगे। चलिए दोस्तों गाड़ी पर निकलते हैं यहाँ सब पैदल पैदल। तो क्या कहते हैं बज चुके हैं अभी 9 बज चुके हैं और मैंने बता था कि गाड़ी तो कल खाली होगा तो कुछ काम धाम है नहीं है, अब क्या काम धाम होगा क्या गाड़ी पे, गाड़ी खड़ा है तो बढ़िया से अब सीधा सोएंगे। अब मैं कहते हैं अगली सुबह गाड़ी देखते कैसे खाली होता है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दें।